बीते 1 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे अनिल कुमार निवासी छमूहन पुरवा धाना हरियावा लखनऊ में रहकर राजमिस्त्री का कार्य करता था। वह घर वापस आते समय स्थानीय चीनी मिल की कॉलोनी के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोककर पैसे और मोबाइल छीन लिए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पीड़ित ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साथ उच्च अधिकारी को भी दी थी। मौके पर एडिशनल एसपी पश्चिमी मारतंड प्रकाश सिंह और क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह सहित प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिस बल ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच में सीसीटीवी देखने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया था। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा शीघ्र ही खुलासे के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक द्वारा खुलासे की जिम्मेदारी स्वयं ली गई थी। रविवार की देर शाम मुखबिर की सूचना पर पता चला दोनों आरोपी युवक बिलहरी से मदरावा जाने वाले मार्ग पर खड़े हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने दोनों बदमाशों की घेराबंदी की तो दोनों बदमाश भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपित युवकों के पास से लूट का मोबाइल फोन और 3,000 रुपए बरामद हुआ। दोनों बदमाशों ने अपना नाम राहुल उर्फ पकिया पुत्र राजू मोहित पुत्र राज किशोर निवासी ओम नगर मोहलिया शिवपार कोतवाली देहात बताया। प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से लूटा हुआ मोबाइल और 3,000 रुपए बरामद हुआ है। दोनों को जेल भेज दिया गया है।